हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और क्विज। और इस क्विज के अंदर हम कुछ नया करेंगे। नया मतलब वही, मतलब जो पहले पैटर्न का चला आ रहा है, जैसे पांच क्वेश्चंस, पांच डीआई, वैसे ही करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अच्छे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ये रहा। अब इसने क्या बोला है, इसको थोड़ा समझते हैं। A certain manufacturing company sell its product in 45 regions worldwide with an average of 60 store per region. Last year, these stores sold an average of 75 unit per store. Then, what was the average of total unit of the product sold in region wise? तो आपको ये पता चल गया सबसे पहले। क्या पता चला? कितने रीजन हैं? 45 रीजन्स हैं। और हर रीजन के अंदर कितने स्टोर्स हैं? 60 स्टोर्स हैं। तो अगर मैं कहूं कि टोटल स्टोर्स कितने हो गए, मतलब टोटल स्टोर कितने हुए, तो आप क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने टोटल स्टोर निकाल लिए, 60 × 45, तो 6 × 5 = 33, तो 27 तो आ गए आपके टोटल स्टोर। कितने आ गए? 2700 टोटल स्टोर आ गए। अब उसने बोला कि 75 पर स्टोर एवरेज जो था वो सोल्ड किया गया है, मतलब दी स्टोर सोल्ड एन एवरेज ऑफ 75 यूनिट्स पर स्टोर, मतलब पर स्टोर 75 यूनिट स्टोर करता है। तो टोटल यूनिट सबसे पहले आती है कि टोटल यूनिट कितनी सेल आउट हुई है, तो टोटल यूनिट्स देखनी है। तो देखो स्टोर इतने, हर यूनिट 75 करता है, तो टोटल यूनिट्स कितनी करेगा? टोटल यूनिट कितना करेगा? तो आप बोलेंगे कि सर 2700, राइट? 2700, और हर यूनिट कर रहा है 75। कितनी कर रहा है? 75। और 75 कर रहा है, तो आप सीधा सीधा है कि इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? आपका टोटल यूनिट आ जाएगा। तो टोटल यूनिट आ गया आपका 2025 00, तो ये आ गया आपका 2025 00, ये आपका आ गया टोटल यूनिट। अब इसने पूछा है व्हाट वाज द एवरेज ऑफ टोटल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड इन रीजन वाइज एवरेज निकालना। तो आपको मालूम है जो रीजन वाइज है, टोटल रीजन कितने हैं? 45। तो इसका एवरेज निकालना है। तो टोटल है आपका जो यूनिट्स है वो इतनी है, 45 रीजन है, इसका एवरेज निकालना है। बस आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 4500 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिखने में बड़ा था लेकिन था बहुत ही आसान, कैलकुलेशन थी। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लर्क में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको आप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। रुचिका सेव सम अमाउंट ऑफ एंड ऑफ द ईच मंथ एंड शी हैड सेव्ड 640 रुपीज टिल द एंड ऑफ 2017। मतलब 2000, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजी नहीं हो सकता, हो सकता है। 640 रुपए सेव किए। अब 2018 में उसने 1025 रुपए सेव किए। अब उसने बोला है कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज किया है जो मतलब रुचिका ने सेव किया है एज कंपेयर टू 2017। तो 2017 में उसके प्रीवियस ईयर में कितना मतलब सेव किया, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो तुम्हें दिख रहा है कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? तो आप बोलोगे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इन द अमाउंट रुचिका सेव ड्यूरिंग द ईयर 2018 कंपेयर टू द अमाउंट शी सेव इन 2017। Assume that she started saving from 2017 only. तो आपको बस परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, 1025 से 640, हमेशा देखो कंपैरिजन करना हो तो पीछे वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। Whenever you solve this, you will get 40%. तो 40% देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 40% डिक्रीज। तो 40% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, क्योंकि उसने पूछा है 2017 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो 2018 का 2017 के कंपैरिजन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू द परसेंटेज
इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन द अमाउंट रुचिका सेव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 एज कंपेयर टू सेव इन द 2017 मतलब 2018 के रेस्पेक्ट में 2017 में तो कमी है ना, ये 1025 था और ये कितना है 640। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। हालांकि था इजी लेकिन था लंबा, तो आपको लगा कि शायद बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको कह रखा है कि एक रूम है उसकी जो विंडो है वो हेक्सागन शेप की है और हर विंडो की जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऐसे पांच तरह की विंडो लगी हुई है, उस पे हम लोग क्या करा रहे हैं, लेमिनेटिंग करा रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले जो विंडो है वो हेक्सागन शेप की है, तो सबसे पहले उस विंडो का एरिया निकालेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर विंडो का एरिया के लिए हमें सबसे पहले हेक्सागन का क्या पता होना चाहिए, हेक्सागन का आपको एरिया पता होना चाहिए। तो देखो हेक्सागन का कुछ नहीं है, हेक्सागन जो होता है इक्विलेटरल शेप का होता है, इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 6 साइड होती है हेक्सागन में, इसलिए √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करें, 60 दे रखी है आपको, 60 into 60। ठीक है, अब 60 into 60 ये करा तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये 15 हो गया है ना। 15 होने के बाद ये देखो 15 × 6 = 90, 90 × 6 = 5400 है ना, क्योंकि 15 × 6 = 90, तो 90 नहीं हुआ 900 × 6 = 5400, 5400√3 यहां तक आ गया। अब इसने बोला ऐसी पांच विंडो है, तो टोटल एरिया देखो सबसे पहले कितना हो गया, तो पांच है, ऐसी टोटल विंडो पांच है, पांच है, तो 5 × 5400√3 हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला वो जो पैसे ले रहा है उस पर, देखो ये आ गया टोटल एरिया, टोटल पांचों विंडो का टोटल एरिया आ चुका है। ठीक है, अब ये पर स्क्वायर मीटर 10 रुपए ले रहा है, तो क्या करोगे आप, इंटू क्या कर दोगे 10। अब 10 क्यों कर दोगे, क्योंकि भाई पर ये तो टोटल एरिया है, तो पर स्क्वायर मीटर 10 रहेगा, तो इंटू 10 करते आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 467640 पहला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, वो आपका आंसर आ जाएगा 467। अब 467640 आप ये भी कर सकते हैं, रूट थ्री की वैल्यू देखो, ये तो 5 × 10 = 50 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 27 something × 3, √3 कितना होता है 1.732, इससे आंसर आ जाएगा 467640। ये इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा लेमिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग करते जाते हैं। देखिए एक नवसहरा पैसेंजर ट्रेन है जिसमें 30% वो लोग हैं जो विदाउट टिकट बैठते हैं, 100% लोग थे जिसमें से 30% विदाउट टिकट बेचते हैं, तो कितने रह गए 70। अब इसने बोला 30% ऑफ द रिमेनिंग वर ट्रेवलिंग विद डेली पास, मतलब अब जो रह गया उसका 30% वो डेली पास से चलते हैं, मतलब 70 का 30% हुआ 21, कितना हुआ 21, तो 70 में से 21 घटाया तो 49 आ गया, तो अब 49 रह गए। एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर हु हैड परचेज अ टिकट इज 242450, मतलब इस 49% की वैल्यू आपको दे रखी है 2450। ठीक है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ पैसेंजर हु वर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तो विदाउट टिकट अगर आप देखें तो कितने लोग हैं, हमने देखा था 100 का 30% विदाउट टिकट वाले थे, तो 30 की वैल्यू निकाल दी 2450 × 30, ये हो गया 49। अब 49 5 से कटता है तो ये 1500 आ गया, कितना आ गया 1500 आंसर आ गया आपका। अब 1500 आंसर आया, किस किस का 1500 आया जरा बताओ, 1500 किस किस का आया मुझे बताओ जरा, चलो है ना। अब आया सबसे बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है इसको करते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ये क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% स्प्रिट है, 50% मीथेन है और 30% इथेन है। ठीक है, 20% स्प्रिट, 50% मीथेन, 30% इथेन,
अब इसने क्या करा, 25% मिश्रण को निकाला, उसकी जगह स्प्रिट डाल दिया, मतलब 25% निकाला, मतलब 25% मतलब 1/4 निकाला। देखो अब जब मिश्रण निकलेगा ना तो 1/4 ये भी निकलेगा, 1/4 ये भी निकलेगा और 1/4 ये भी निकलेगा, ध्यान रखना ठीक है। फिर उसके बाद 2/3 मिश्रण निकाला, तो 2/3 जब निकालेंगे तो 2/3 ये भी निकलेगा, 2/3 ये भी निकलेगा, 2/3 ये भी निकलेगा। तो अब इसने पूछा है फाइनल मिक्सचर के अंदर मिथेन का परसेंटेज बताओ। देखो अभी मिथेन का परसेंटेज कितना है, 50% ठीक है। पहले निकाला 1/4 निकाला मिश्रण, तो 1/4 ये भी निकलेगा, 1/4 ये भी निकलेगा, 1/4 ये भी निकलेगा। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करो क्या मिथेन को डाला गया है क्या, तो आप पूरा जब चेक करोगे तो मिथेन को छिड़ा ही नहीं गया, बस मिथेन को हमेशा निकाला ही गया है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, इथेन डाला गया एक केस में और दूसरे केस में स्प्रिट डाला गया, मिथेन को नहीं छिड़ा गया, तो हर केस में मिथेन निकला ही है। तो निकला है तो 1/4 निकाला तो बचा कितना, 3/4। उसके बाद 2/3 मिश्रण निकाला, तो 2/3 जब ये भी निकलेगा ये भी निकलेगा तो बचा कितना, 1/3। तो इसको आप क्या करो है ना, 2/3 मिश्रण को निकाल इज रिप्लेस बाय इथेन ठीक है। तो ये हो गया, तो 3 से 3 गया, तो ये कितना आ गया, 12.5% फाइनल आपका क्या रह गया, मिथेन रह गया। 12.5% आपके फाइनल मिक्सचर में क्या रह गया, फाइनल फाइनल आपका 12.5% आपका क्या रह गया, आपके मिक्सचर के अंदर फाइनली मिथेन रह गया ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन है, देखो इसमें थोड़ा सा हाइड हो रहा है, मैं बता देता हूँ। पी क्यू आर एस टी, पी ब्लू से चालू हो रहा है, क्यू रेड, आर ग्रीन, एस एस टी यू ऐसे चल रहा है, मतलब येलो पे खत्म हो रहा है यू पे ठीक है। अब ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, और टोटल स्टूडेंट्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल स्टूडेंट्स ये दे रखे हैं, उसके बाद नीचे जो दे रखा है उसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दे रखी है ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ जो गर्ल्स दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि आपसे हो सकता है ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछे। तो देखो या तो एक तरीका ये है कि सभी का निकाल लो है ना, सभी का निकाल लो कि भाई किसमें कितना है, क्योंकि आंसर्स फिर फटाफट एक मिनट में पूरे हो जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार हम लोग ठीक है। मैं एक टेबल बनाता हूँ, टेबल से क्या पता सारा क्वेश्चन सारे आसानी से सॉल्व हो जाए, नहीं तो आप एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए एक ही बात है, तो देखो सबसे पहले देखिए स्कूल लिख लेता हूँ, पी क्यू आर एस टी यू, ये लिख लिया पी क्यू आर एस टी यू ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, एक तो टोटल स्टूडेंट ठीक है, उसके बाद एक ये बात करेंगे बॉयज की, और एक ये बात करेंगे गर्ल्स की ठीक है। और यहां हम स्पेस छोड़ देते हैं एक बार ठीक है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स, अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट 6000 का 15% निकालोगे, 6000 का 15% निकाला तो 6000 नहीं है 60000 है, उसका 15% निकालेंगे तो 9000 क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट हो गया ए में, पी क्यू पी में। ऐसे क्या करो, क्यू का निकाल लो, अब क्यू का आपको बोला है 18% बोला है, कितना बोला है 18%, तो ये निकाल लो ठीक है। ऐसे सबके निकालते जाओ, मैं आपके साथ साथ निकाल रहा हूँ, 7200 हो गया, 9600 हो गया ठीक है, उसके बाद 12000 हो गया ठीक है, 12000 के बाद कितना हो गया, लास्ट वाला है 19 × 6 मतलब 11400 हो गया। ये टोटल स्टूडेंट आ गए जो मैंने ग्राफ से निकाल लिए ठीक है। अब देखो 48% गर्ल्स हैं, 52% फिर क्या होंगे बॉयज, तो अब आप देखो 48% गर्ल्स है तो 52% निकाल लो, 52 × 9 तो ये कितना हो गया 4680, कितना हो गया 4680 आपका क्या हो गया, 4680 आपका आंसर हो गया इसमें ठीक है। अब 4680 के बाद तो ये तो हमारा आया क्या बॉयज आया, अब बॉयज आने के बाद यहाँ पे हम लोग गर्ल्स की बात करेंगे ठीक है, तो गर्ल्स की भी बात कर लेते हैं और बॉयज की भी बात कर लेते हैं ठीक है, एक सेकेंड ठीक है। तो 4680 हमारा क्या आया बॉयज, सॉरी 4680 तो हमारा बॉयज आया ठीक है। अब 9000 में से माइनस कर दोगे तो गर्ल्स आ जाएगा, तो 4320 आपका क्या आ जाएगा गर्ल्स आ जाएंगी। ऐसे ही सबका निकालना पड़ेगा, ऐसे 10800 का 52% तो गर्ल्स आ जाएंगी, तो मैं एक बार सबका लिख देता हूँ आपके सामने जिससे आपको दिक्कत नहीं हो ठीक है। 5616 4312 ठीक है, 5616 4332 ठीक है। अब 54% निकाल लो,
गर्ल्स पहले गर्ल्स 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 निकालो तो देखो 5184 5280, इसको निकालने से ये होगा कि देखो टाइम तो लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत रहेगी, तो 56 है 57 है, लेकिन इससे क्या बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है आप ये देख लो 5184, ठीक है 3888, ठीक है उसके बाद 3138 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 4416, ठीक है उसके बाद 6720 और लास्ट है हमारा 5700। ठीक है ये आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि निकालने के बाद क्वेश्चन बड़े जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, देखना आप कैसे। ये सारी चीजें निकल गई, निकलने के बाद पहला क्वेश्चन ये बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल पी एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स। देखो स्कूल पी में बॉयज 4680, अब देखो फटाफट होने लगेंगे 4680, और इसने बोला है गर्ल्स इन स्कूल आर 3312, ये माइनस कर लो 7 में से 168 किसके एंड में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 1368, तो 1368 आपका आंसर हो गया। मैंने पूरा भी नहीं सॉल्व किया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल पी क्यू एस में एवरेज निकालना है। अब देखो पी क्यू एस निकालते हैं, पी क्यू पी क्यू और एस 5184, 6 और 4 10, 8 और 4 12, 11 15, ये आ गया। फिर क्या करोगे आप 3 से डिवाइड करोगे तो 5040 आपका आंसर आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हुआ। ठीक है मैं कह रहा हूं ना आप एक बार निकालने के बाद आपके क्वेश्चन 10 10 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है तो ये हो गया आपका नेक्स्ट खत्म। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल आर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये है हमारे 7200, 7200 है, और स्कूल टी के अंदर 12000। ठीक है तो ये तो काट दो आप, 12 6 6 10 3 5 आ गया आंसर, है ना। मैं अब एक मिनट चेक कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर वो तो 72000 है, 7200 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टी, सॉरी बॉयज है कोई बात नहीं, बॉयज है तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको सही, 7200 बॉयज इन स्कूल टी है, तो बॉयज कितने हैं देखो जरा 6720, तो ये काट लो। काटने के बाद इसका थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 15:14 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15:14। चलिए नेक्स्ट भी कर लो, मैंने कहा ना एक बार करने से बहुत फायदा हो जाता है इसके अंदर। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल यू 5700, ठीक है वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू, तो 5184। अब ये तो हमें मालूम पड़ गया कि 100% से ऊपर है ना, तो 100% से ऊपर है, तो देखो दो ऑप्शन चले गए, ए और डी तो चले गए। अब 51 की टेबल में काटो, है ना, देखो 51 की टेबल में मैं काट देता हूँ, देखो ये 51 ले लिया, 51 बन जा, ले लिया 51, फिर बचा कितना 60, फिर 51, तो 11 समथिंग आंसर आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 110% आंसर आएगा। तो ऐसे काटते हैं हम लोग, ठीक है जिससे स्पीड तेज हो जाए। ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेंट्रल एंगल ऑफ स्कूल टी का सेंट्रल एंगल 12000, देखो स्कूल टी का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, 20% दे रखा है, देखो टोटल 100% है, तो देखो 360 का 20% निकाल लो, सीधा सा लॉजिक है, तो 20% 360 का कितना हुआ 72 डिग्री, कितना हुआ 17, देखो ये 720 नहीं है, एक्चुअली 72 डिग्री लिखा नहीं गया, इसलिए 72 डिग्री है, तो 360 का 72 डिग्री, मतलब कभी भी परसेंटेज में डेटा को एंगल में चेंज करना हो तो इनटू 360 करते हैं, तो 20% निकाल लो 360 का, दैट्स इट, मतलब 72 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर हो गया। होप सो ये डी मतलब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो मैं क्विज लाऊंगा थोड़ा लेवल और बढ़ा के लाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए मैंने कल एक प्रैक्टिस पेपर डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पे, तो आप बैंकर्स नीति के चैनल पे जुड़ते जाइए, मैं प्रैक्टिस पेपर डालता जा रहा हूँ जिससे आप ऐड होते जाएं और क्वेश्चन समझ में आते जाएं। थैंक यू सो मच, बाय।